कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को, तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा, खुद, खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सिर से नाचेगी। मंगल ग्रह में जीवन को ढूंढने जा रहे हैं, पर आज क्या जरूरत है जीवन में मंगल ढूंढने की। नमस्कार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक मुलाकात में हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो दिल्ली से पधारी हैं, श्रीमती किरण चोपड़ा जी, जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब केसरी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड की और साथ ही वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की आप फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। आप एक विख्यात लेखिका हैं, अनेक किताबें आपने लिखी हैं और नियमित रूप से आपके कॉलम अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप एक विख्यात समाज सेविका हैं जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और वृद्धजनों के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं। आपकी समाज सेवा के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। ऐसी विशेष हस्ती आज हमारे साथ है, आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। किरण जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद किरण जी। जैसे आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगी हुई हैं, महिलाओं के लिए भी आप कार्य कर रही हैं, बुजुर्गों के लिए भी आप कार्य कर रही हैं, युवाओं के लिए भी कार्य कर रही हैं, तो विशेष रूप से चूंकि आप महिला हैं इसलिए महिलाओं की ही बात करते हैं। आज महिलाओं पर विशेष करके जो समाज में अत्याचार हो रहे हैं या एक प्रकार से उनके लिए अपराध बढ़ता चला जा रहा है, आप क्या कारण समझती हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बेसिक जो कारण है वो हम अपने जीवन में संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी भारतीय परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं, हमारे जो जीवन में नैतिक मूल्य हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं। जो हमारे समाज में परंपराएं चल रही हैं, सदियों से हमारे भारत की जो परंपराएं हैं देशों विदेशों में मशहूर हैं, उसको विदेशी लोग तो अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ हमारे जो लोग हैं, हमारा समाज है, उसको पीछे छोड़ रहा है। ये सबसे मूल्य कारण है इसका। और दूसरा, आप देख रहे हो कि स्त्री जो है आज बहुत तरक्की कर गई है, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष हो, साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इटोनमी हो, फिल्म क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो, स्त्री कहीं भी पीछे नहीं हटती। और मेरे कहने का मतलब, माँ का जो आंचल है वो सक्षम हो चुका है। हम स्त्री को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं। स्त्री वो है जो एक खाली उसके पास मकान हो तो उसको घर बना देती है, स्त्री में वो शक्ति है। पर दूसरी तरफ स्त्री पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आप कह रहे हो और मैं भी देख रही हूँ, आए दिन हम न्यूज़पेपर में, टीवी में रोज़ देखते हैं कि बहुत से जो क्रूतियां हैं हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, कन्याओं के प्रति, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारा देश माना जाता है, कोई भी ईश्वर का नाम, भगवान का नाम ले तो सबसे पहले स्त्री का नाम आता है, राधा कृष्ण, नदियां हैं उनका भी नाम स्त्रियों के नाम पे ही है सबका। फिर क्या वजह है कि हमारे इतना जो स्त्रियों के प्रति गलत काम हो रहे हैं? अभी अभी आपने सुना होगा कि हम सब ने सुना, देखा भी, दामनी हत्याकांड, दामनी रेप कांड हुआ, गीतिका कांड हुआ, और भी बहुत से है, और एक नन्ही सी बच्ची से बलात्कार हुआ, बहुत शर्म की बात है। इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो समाज की सोच है वो बहुत गलत है जी। तो मानसिकता जो अच्छी होनी चाहिए वो भी बहुत गलत है। मेन मूल्य ये हैं। और दूसरा, नेट पे जो आजकल वेबसाइट चल पड़ी हैं और जो स्त्री को एक सोचा जाता है कि ये भोग वाली वस्तु है, या इसको कोई ऐड ऐसे हैं जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि इसी से आप व्यापार खींच सकते हो, तो ये जो सोच है ना समाज की, लोगों की, कुछ चंद लोगों की, तो कुछ ज़्यादा तर स्त्रियों को पीछे छोड़ रही है। और गलत जो हमारे समाज में क्रूतियाँ पनप रही हैं वो यही वजह है।
तो विशेष करके जो ये एक अपराध बढ़ रहा है, आपने तमाम कारण इसके गिनाए कि ये कारण है, आपको क्या लगता है कि सुधार किस स्तर पे होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पे या फिर ऊपर के स्तर पे? दोनों स्तर पे जी। किसी भी जो गलत बात है, कोई भी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, एक अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए स्त्रियों को स्वयं अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तैयार करना होगा, समाज को अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करने वाला उनकी सोच बदलनी होगी कि आप स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु मत समझिए या एक ऐड वाली वस्तु मत समझिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। स्त्री में वो शक्ति है जो चाहे तो समाज को, परिवार को, देश को, उसकी सब दिशा चेंज कर सकती है। बिल्कुल। तो वैसे भी कहा जाता है कि यदि आप एक नारी को शिक्षित कर देते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। तो एक नारी ही नहीं लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसका मूल्यवान होना, उसका सम्मान करना, कहीं ना कहीं वो सारा ही हमारे पूरे परिवार में फैलता है, पूरा परिवार आदर्श बनता है। बिल्कुल ठीक है। और जिस चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ बात कर रहे हो, ये ऐसा एक विश्वविद्यालय है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जो नारियों के द्वारा ही चल रहा है। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि नारी कितनी शक्तिशाली है। और जो मैंने यहाँ आकर देखा है कि संस्कार, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये यहाँ से ही मेरे हिसाब से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देशों विदेशों से महिलाएं आती हैं, हर प्रांत से महिलाएं आती हैं। पहले तो महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, साथ में जो भाई आते हैं उनकी सोच बदलनी चाहिए, फिर नारी, समाज और सारा जो हमारी तरफ जो फैला हुआ है, संसार है, देश है, उन सब की सोच को चेंज करना चाहिए। सरकार को अच्छे कानून बनाने चाहिए, स्त्रियों का उनका पालन करना चाहिए, सब मिलकर, सभी मिलकर के। मतलब वैसे भी कहा जाता है कि सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार बनाया जा सकता है। तो नारियां अपने स्तर पर कार्य करें, पुरुष अपने स्तर पर कार्य करें, सरकार अपने स्तर पर कार्य करे, तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बिल्कुल। आप दो दिन तक यहाँ रही, आपने रिट्रीट अटेंड किया यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के, और जैसा आपने कहा कि ये नारियों के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा संस्थान है। आई फील प्राउड कि ये नारियों द्वारा चलाया हो जा रहा है। तो यहाँ जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है इन शिक्षाओं के माध्यम से ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं या नारियों के प्रति जो हिंसा हो रही है, इसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो लोगों को बताई जा रही है कि आपको जिंदगी में अपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, अगला जन्म आपको तभी अच्छा मिलेगा, ये जन्म मरण की और पुनर्जन्म की बातें हैं जो वास्तविक में यहाँ माइंड में आपके सेट होती हैं कि आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और आगे अच्छा काम करना है और आगे अच्छा जन्म लेना है तो आपको अच्छे कार्य करने होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे जो जिंदगी में एक प्रैक्टिकल बात मैंने देखी है, अपनी माँ से देखी है। मेरी माँ ने बचपन में मेरे मन में डाला था कि आपके दोनों कंधों पे एक एक व्यक्ति बैठा जो आपको नहीं दिखाई देता, वो आपके अच्छे और बुरे कर्म नोट कर रहे हैं। तो जो उससे मेरे मन में ये सेट हो गया कि मुझे अच्छे काम करने हैं। और शादी के बाद मेरी सासू माँ ने जो मुझे व्यवहार दिया वो भी यहाँ सेट हो गया। तो मेरे जीवन में दो स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ तो तमाम इतनी स्त्रियाँ बहनें हैं जो ऐसे रोल सबके लिए सेट कर सकती हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ जो टीचिंग है बहुत ही अच्छा है, मीठा है, हर एक के मुँह पे स्माइल है। आज हर इंसान क्या ढूंढ रहा है? सुख जीवन में, शांति। और यहाँ पे सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आज साइंस भले जितनी मर्जी तरक्की कर गया है, मंगल ग्रह में जीवन को ढूंढने जा रहे हैं, पर आज क्या जरूरत है जीवन में मंगल ढूंढने की? और जीवन में मंगल कैसे मिलेगा? स्त्री के द्वारा, क्योंकि स्त्री ही बेस है, माँ के रूप में, ममता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, और यहाँ तो टीचर ही सारी स्त्रियाँ हैं। तो इससे बड़ा मेरे को लगता है कोई संस्थान, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो संस्कार और कर्म
हमने लेने हैं वो यहाँ से, मुझे लगता है कि वही हम, जैसे आपने कहा कि हम आज शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षित करना एक अलग बात है लेकिन दीक्षित करना एक दूसरी चीज है जो यहाँ दीक्षा दी जा रही है, या एक प्रकार से संस्कार दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन, ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है जिसकी शिक्षा यहाँ ब्रह्मा कुमारी। अब भले जितनी मर्जी एजुकेशन ले लो, अब MA PhD डॉक्टर बन जाओ, जितनी देर आपके अंदर संस्कार नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो जीवन का मेरे हिसाब से कोई लक्ष्य भी नहीं, फायदा भी नहीं। बिल्कुल, तो मूल्यों का बहुत ज्यादा समावेश हमारे जीवन में हो, तभी ये जो हम आज की समाज की बहुत बुरी स्थिति देख रहे हैं, जो मानसिकता में गिरावट देख रहे हैं, मूल्यों में गिरावट देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सुधार हो सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी जो शिक्षा दे रही हैं, आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत में आपकी राय जानना चाहूंगा, हमारी सभी बहनें जो टीचिंग्स दे रही हैं, क्या समाज के सभी वर्गों के लिए इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। कुछ ऐसे है कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं, उनको मेरे जैसे लोग या जो और मीडिया के लोग हैं उनको यहाँ खूब बुलाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक करेक्टर बनाए जा रहे हैं, एक प्रीचिंग दी जा रही है कि इंसान कैसे बनना है। पैदा तो तुम हो गए, आगे आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सही प्लेस है एक, और जो यहाँ आपके सेट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और केवल यहाँ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष के प्रायः सभी शहरों में इसकी ऐसी शाखाएं हैं जहाँ पे बहनें ही इस प्रकार की शिक्षाएं दे रही हैं, और लक्ष्य ही यही है कि जो समाज में एक पतन आ गया है उस पतन से इसे उठाया जाए, इसका उत्थान किया जाए, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए ये कार्य कर रहा है, या फिर उनकी सोच में एक परिवर्तन ला रहा है ताकि हम एक बेहतर और श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकें। बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कि जो भी मनुष्य या संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। जब मैंने यहाँ आना था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अब मत जाइए, वहाँ आपको वश में कर लिया जाएगा, ये भ्रांति फैली हुई है। और मैं सच में वश में हो गई। कैसे? यहाँ पे बहुत लर्नर लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लर्नर लोग हैं कि वो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आम आदमी के समझ में भी नहीं आ सकती। जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज्ञान है उसी को समझ आएगी, जो अच्छे कर्म करना चाहता है, आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है और संसार में सुख लेना चाहता है और सुख देना चाहता है। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें भी एक थैंक्स करना चाहिए कि हमें ये अच्छा जीवन मिला है, हम उसको अच्छे कामों में लगाएं। तो ये यहाँ से एक स्रोत निकल रहा है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात आपने कही, और सचमुच यदि सभी लोग इस चीज को समझें, आपने एक सुंदर चीज कही कि लोग भ्रांतिवश कई बार दूर रहते हैं और अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन लोगों को समीप आना चाहिए, देखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में है क्या, ताकि जीवन में उनके भी सुधार आ सके और जीवन में वो आगे की ओर बढ़ सके। कुछ साल पहले मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ यहाँ आए थे, उन्होंने खुद मेडिटेशन की और उन्होंने सीरीज चलाई अपने न्यूज़पेपर में इनके बारे में, जो बहुत लोगों को प्रभावित किया, बहुत से लोग आना शुरू हुए। आज मैं आई हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछ के आई, उन्होंने कहा बेटा इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती और इससे अच्छा इंस्टीट्यूशन ही नहीं हो सकता, आपको मन की शांति मिलेगी, यू विल लर्न समथिंग, यू विल राइट समथिंग। तो आई सेड ओके एंड आई एम प्रिपेयर टू राइट नाउ। जी जी, बहुत सुंदर है। चलिए, आप अपनी बात को, आप अपने अनुभव को अनेक लोगों तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर भी जो भ्रांति है वो दूर होगी और वो भी इस लाभ को जल्दी से जल्दी ले पाएंगे। किरण जी, आपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत कार्य किया है, और आज बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि जिस माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, इतनी उसकी सेवा की, उसे ही आज बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते, तो सचमुच बहुत दुख होता है। तो आप इनके लिए जो कार्य कर रही हैं इसके बारे में कुछ विशेष बताएं। ऐसा है कि आप जानते हैं कि बुढ़ापा जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है जी। एक सच्चाई है जो सबके जीवन में आनी है, आपके जीवन में भी आनी है। तो अखबार में काम करते हुए अपने मैंने जाना कि बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं। आज मैं अभी आपको कहूँ कि मैंने एक लड़की की शादी करनी है, आप झट से आओगे, मेरी तरफ से ये बर्तन, मेरी तरफ से कपड़े, और बच्चे के लिए भी कुछ करना है तो आप झट से आगे आओगे। अगर बुजुर्ग के लिए कोई बीमार है, कोई डायलिसिस पे है या कैंसर पेशेंट है, या उसको कुछ मिल नहीं रहा, खाने को नहीं मिल रहा, या दवाइयों के लिए नहीं मिल रहा, तो आप शायद एक सेकेंड के लिए सोचोगे कि इन्होंने तो आज नहीं तो कल चले जाना है, इन्होंने ज़िंदगी अपनी बिता ली है।
तो ऐसे समय में सब लोगों को मिलते हुए ये समाज में मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा एक जो वर्ग है जो जिसको एक जिसके लिए काम करने की ज़रूरत है, तो मैंने इस वर्ग के लिए इस एज के लिए बहुत सा काम किया है, एक इस एज के लोगों के लिए एक नई दिशा एक नया प्रयत्न किया है कि आपने सारी उम्र बच्चों के लिए समाज के लिए काम किया है, अब ये ज़िंदगी है आपकी अपनी, आपको मर्यादाओं में रहकर अपने ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए, आपको अपने अनुभव हैं जो एक्सपीरियंस है आप अनुभवों का खजाना हो वो आप आने वाली पीढ़ियों को दीजिए, समाज को दीजिए और बच्चों के मन में भी डाल रहे हैं कि ये जो है ये आपका आने वाला कल है, ये जो ये है आज ये आने आपका आने वाला कल है और जो आप आज हो वो इनका कल था, तो जो आज आप बोगे वो कल काटोगे। तो मैं तीनों वर्गों के लिए काम कर रही हूँ, नीडी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। और आप जानते हैं कि इस उम्र में सबको दवाइयों की ज़रूरत होती है, जो नीडी बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है। वर्ल्ड में पहली बार मैंने एक सिस्टम शुरू किया है जिसको अडॉप्शन सिस्टम कहते हैं, आपने सुना होगा बच्चों को तो अडॉप्ट सब करते हैं, मैंने बुज़ुर्गों को अडॉप्शन का सिस्टम, बहुत सुंदर सिस्टम आपने शुरू किया है, मुझे लगता है कि इसकी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, बहुत आवश्यकता है क्योंकि दवाइयों की खाने की इस समय शुगर है, किसी को बीपी है, समय समय पर खाना चाहिए या कुछ उनको नहीं मिलता, तो अडॉप्शन डजंट मीन कि उनको घर लेके जाना है, उनके दवाइयों के खर्चा और उनके खाने पीने का आप खर्चा दीजिए। आप एक मिनट लगता है बच्चों में 1500 पिज़्ज़ा बर्गर में खर्च कर देते हैं, इसी 1000 से उनका दवाई आ जाएगी, तो जस्ट नॉमिनल से हमने शुरू किया कि आप 1000 दीजिए और बुज़ुर्ग को अडॉप्ट कीजिए, आपको भी एक मन की शांति होगी कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और बुज़ुर्गों के हाथों से क्या निकलता है, आशीर्वाद और दुआएं दिल से होती हैं और वो कभी वेस्ट नहीं जाती जी। तो एक बात तो हुई किरण जी कि हम उनके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अब तो इनका समय पूरा हो गया इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा खर्च भी करना बच्चे मुनासिब नहीं समझते, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है कि एक जागृति लाई जाए बच्चों के अंदर, जैसा आपने कहा कि ये जैसे बुजुर्ग हुए हैं आपको भी बुजुर्ग होना है, तो आप जो इनके साथ कर रहे हैं वही चीज आपके साथ भी होनी है यदि आप ऐसा करेंगे तो इस जागृति को लाने के लिए विशेष करके आप क्या कर रहे हैं? इसी जागृति को लाने के लिए तो मैंने VNKC सीनियर सिटीजन क्लब शुरू किया, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, क्लब जानबूझ के नाम रखा है कि ये लोग अपने आप को बेचारा या असहाय ना महसूस करें, इनको सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, इनको क्या चाहिए इस समय, सम्मान और प्यार। एक मूवमेंट, एक लहर चलाई है कि बुज़ुर्गों को सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बुज़ुर्ग हैं, निरी वाले तो रोकर भी अपनी व्यथा बता देते हैं, जो अच्छे घरों के लोग हैं वो तो रो भी नहीं सकते, आप अपने घर की इज्जत को बचाते हैं, बच्चों की इज्जत को बचाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए एक मूवमेंट चलाई है कि आप अपने आप को व्यस्त रखो और मस्त रखो, बिजी रहो, बच्चों की तरफ मत देखो, बच्चे गलत नहीं है, सब बच्चे गलत नहीं है, क्योंकि लाइफ इज सो फास्ट, बच्चों आज बीवी पत्नी और बेटा दोनों काम कर रहे हैं, तो उनके पास समय की कमी है जो होनी नहीं चाहिए, माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, एक माँ बाप को संभालने के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप ने हमें पाला था वो भी काम करते थे, बिजी थे, हाँ वो भी बिजी थे, अपना समय दिया हमें, चलो हम अपनी सोच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, मैं सोचती क्योंकि समाज को कहीं तो हमने इकट्ठा करना है, युवा पीढ़ी को और बुजुर्गों को इकट्ठा करना है, तो उनमें तालमेल बिठाने के लिए हम बुजुर्गों को प्रिपेयर करते हैं कि आप नॉन मौन और कौन का सिद्धांत अपनाइए, नॉन मीन्स बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, मौन मीन्स कम से कम बोलिए, कौन मीन्स इंटरफेरेंस मत कीजिए, और यूथ को ये कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम नहीं होने चाहिए, उनका स्थान घर पे है, वो आपके साथ नहीं रह रहे, आप उनके साथ रह रहे हैं, हमारा देश श्री भगवान राम का देश है, श्रवण का देश है, हमारे देश में ओल्ड होम की कोई आवश्यकता नहीं है, ना होने चाहिए, तो हम उनके लिए डे केयर एक्टिविटी सेंटर को इनकर करते हैं कि आप आओ, अपना अपने आप को बिजी करो, एक्टिंग करो, डांस करो, जो आपका दिल करता है, जो आपकी ख्वाहिशें रह गई हैं वो आप पूरी करो मर्यादा में रहकर, और जो लोनलीनेस है वो उनकी वहाँ आकर समाप्त हो जाती है, एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं, एक हफ्ता वो सोचते हैं कि क्या काम करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, उनका जो ध्यान है वो
उस तरफ से हट जाता है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। और आपको एक बात बता दूं कि मैंने मीडिया हाउस होने के साथ साथ एक मीडिया का पॉजिटिव रोल दुनिया के सामने रखा है कि एक मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक मैंने जो संसार की जो लोगों की सोच है उसको चेंज कर दिया है, बुजुर्गों के प्रति चेंज करने में लगी हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर के बुजुर्ग की इज्जत होगी, सम्मान होगा, और युवा पीढ़ी देखेगी कि ये हमारे आने वाला कल है, अगर हम इन्हें नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पुण्य कार्य कर्म सारा कुछ समझाया जाता है कि कर्म अच्छे करो, तो बच्चों के मन में यहाँ से भी एक वेव आएगी और सब तरफ से आएगी कि अच्छे अब माता पिता को पूछें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, कल हमारा समय ये आने वाला है। ये भी यहाँ से मैं सोचती हूँ ये दीदियों को ही कहेंगे कि आप ये भी एक मूवमेंट शुरू करो, क्योंकि मैंने तो अपने लेवल से शुरू किया है। मैं तो एक बूंद हूँ, यहाँ तो एक सागर जैसा ज्ञान है। तो सागर जब ज्ञान देगा बच्चों को घर घर में, देश में, विदेशों में, तो बहुत अच्छा संसार बनेगा। पंजाब केसरी जो पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड है उसके डायरेक्टर भी हैं, आप इसके माध्यम से भी इस प्रकार के जो विचार हैं सुंदर विचार, क्योंकि मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है लोगों के विचार में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो जहाँ कहीं हम बड़े बड़े जो केसेस होते हैं, चाहे नेगेटिव केसेस, उन्हें जितना हाईलाइट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मीडिया को जो अच्छी घटनाएं हैं, अच्छी सोच है, अच्छी बातें हैं, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोगों में जागृति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मीडिया को करना चाहिए और मैं तो यही कर रही हूँ, मेरा पूरा परिवार कर रहा है कि अच्छा काम है समाज में, बुरा काम है, उस दोनों को हाईलाइट करता है। क्योंकि मीडिया का ये काम है कि समाज में, देश में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, चाहे पॉलिटिकली सोशली कुछ भी बुरा हो रहा है, तो उसको समाज के सामने, देश के सामने लाया जाए। पर आज थोड़ा सा दुख की बात है कि जो मीडिया हाउस हैं मोस्टली कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में आ गए हैं, पैसे वाले लोगों के हाथ में आ गए हैं। पहले आप देखते थे जो मीडिया हाउस थे वो जर्नलिस्ट वो लोग थे या जो तो देशभक्त थे या जिन्होंने लॉ पढ़ी हुई होती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का काम था, पढ़े लिखे लोग, बहुत मूल्यवान मूल्यवान था। और मेरी तो अभी सासू माँ बता रही थी मुझे कि कैसे हमारा न्यूज़पेपर शुरू हुआ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हमारी फैमिली ने लड़ी, मेरे दादा ससुर ने, ससुर जी ने, तो वो उस टाइम सबको मैसेज देते थे, लिख लिख के पैम्फलेट से बांटते थे, उसके बाद उसको लिख लिख के, क्योंकि इतने लोगों को मैसेज देना मुश्किल होता था, तो उसे छोटे छोटे पैम्फलेट से दो पेज बन गए, दो से तीन बन गए, तीन से चार, इस तरह ये अखबार बने। और अब आज अखबार और मीडिया का थोड़ा सा रुख चेंज हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप युवाओं के लिए भी विशेष करके कार्य कर रही हैं, और युवा बहुत करके कहें हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो आबादी है युवाओं की है, और ये युवाओं को यदि हम एक सकारात्मक दिशा दे पाएँ, उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाएँ, यदि उन्हें हम एक श्रेष्ठ कार्य में लगा पाएँ, यदि इस कार्य में हम सफल हो पाएँ, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य बहुत श्रेष्ठ और उज्ज्वल होगा। तो युवाओं के लिए विशेष करके आपकी क्या योजना है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, युवा ही शक्ति है देश की, देश का आने वाला भविष्य युवा है जी। तो युवा के लिए भी मैंने साथ साथ काम किया, क्योंकि 8 साल हो गए मुझे ये मूवमेंट चलाए हुए। 8 सालों में मैंने यही जाना कि जितनी देर देश के युवा को इसके बारे में नहीं बताया जाएगा या देश की आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। क्योंकि युवा ही शक्ति है, युवा ही फ्यूचर है देश का, और युवा में वो ताकत है कि वो चाहे तो आसमान बदल दे, जमीन बदल दे, दिशा बदल दे, सब बदल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी होती है, सोच होती है, जोश होता है, जनून होता है। तो युवाओं के लिए मेरा एक यही कहना है, संदेश भी है, अपने बच्चों के लिए भी है और समाज के बच्चों के लिए भी, कि आप अपने देश के लिए देश प्रेमी बनिए, मॉडर्न जरूर बनिए, पर अपने संस्कारों और भारतीय परंपराओं को कभी ना भूलें। घर में बुजुर्गों का और माता पिता का सम्मान कीजिए, और आप किसी भी धर्म से हो पहले आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान आपके लिए प्रिय होना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए आप जिएं, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दें, हिंदुस्तान के लिए काम करें, हिंदुस्तान के लिए पढ़ें, ये मेरा उनको संदेश है। बहुत सुंदर किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि आप बार बार आती रहें यहाँ माउंट आबू में, और साथ ही आपसे बात करके ऐसा भी लगा कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए आपके मन की जो भावनाएँ हैं सचमुच जन जन तक पहुँचनी चाहिए। और खास करके आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें जो शिक्षाएँ दे रही हैं उस शिक्षा को भी सचमुच जन जन तक पहुँचना चाहिए, ताकि एक सुंदर बदलाव आए
सकें और हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकें। मुझे तो सच में लगता है कि मैं स्वर्ग की अनुभूति करके जा रही हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे। तो आप इस स्वर्ग में बार बार आती रहे। बार बार आती रही, वो स्वर्ग वालों की इच्छा है कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं, मेरे कर्म देखेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा, चर्चा हुई हमारी युवाओं की, महिलाओं की और वृद्धों के विषय में। युवा वर्ग बहुत शक्तिशाली वर्ग है जो अपने विचारों में परिवर्तन लाके समाज को एक दिशा दे सकता है। महिलाओं के प्रति भी हमारा नज़रिया बदले, उनके प्रति हमारा नज़रिया बहुत ही सम्मान युक्त हो, क्योंकि माँ गुरु है और माँ का सम्मान करना सचमुच हम सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कहा भी जाता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और साथ ही वृद्ध जनों के लिए भी हमारा नज़रिया बदले, उन्होंने हमें इतने प्यार से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अब हमारा दायित्व बन जाता है कि हम भी उनकी सेवा करें जबकि उन्हें जीवन में आवश्यकता है। तो आप इन बातों को अपने जीवन में शामिल करें, विचार करें, और साथ ही हम पुनः हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ अगली बार। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।